हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू ब्लॉग में। तो आज हम आ चुके हैं सुखना लेक, जो चंडीगढ़ की एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो यहाँ पे हमने एंटर कर चुका है, हम पार्किंग के बाद आगे की तरफ चल रहे हैं। यहाँ आप देख रहे हो दोनों साइड ऐसा मतलब डिज़ाइन बना रखा है बेड़ों का। तो यहाँ से हम एंट्री करते हैं, जहाँ से हम एंट्री करते हैं मेरे बगल में जस्ट लेफ्ट साइड वॉशरूम है। यहाँ पे जो अगर वॉशरूम आपको प्रेस वगैरह होना हो, और यहीं भी मार्केट शुरू हो जाती है जहाँ पे खाने पीने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। जो लेक है वो है आगे, सुखना लेक जो है वो बहुत ही सुंदर जगह है चंडीगढ़ की, ब्यूटीफुल जगह है, बहुत पीसफुल जगह है। ये जो आपको दिख रहे हैं सारे शॉप हैं, यहाँ पे खाना पीना टिकट एंड अदर चीज़ें यहाँ पे आप ले सकते हो। और बाकी घूमने के लिए आगे की तरफ ये भी एक रास्ता है आगे से, एक हम दूसरी साइड से आए थोड़ा। ये एंट्री मेन जो एंट्री है यहाँ से है, इसकी एंट्री गेट तो इसके बहुत सारे हैं। और एंट्री गेट में आती है आपको सबसे पहले ये एक्टिविटीज़ दिखाई देगी, जहाँ पे ऐसे ट्रेन्स वगैरह ये जो घूमते हैं या छोटी मोटी एक्टिविटी यहाँ पे होती है स्टार्टिंग में। इवनिंग के टाइम यहाँ पे बहुत अच्छा रश होता है, काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं, खासकर संडे को तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पे। तो ये ऊपर ये चीज़ें हैं, ये एक्टिविटी है। और यहाँ भी आगे जाओगे तो आपकी नज़र यहाँ से थोड़ा आगे जाती लेक की तरफ पड़ जाएगी। और पुलिस वाले यहाँ हमेशा हरकत में रहते हैं, और इनके पास इस तरह की वैन होती है तो सफाई के लिए या और चीज़ों के लिए। अभी देखिए किसी के पीछे पड़े हुए हैं जो यहाँ पे वो बेचते हैं ऐसे खड़े होकर, क्योंकि उसकी वजह से फिर वहाँ पे कूड़ा करकट हो जाता है, इसलिए लोग पुलिस वाले हरकत पे रहते हैं। तो हम यहाँ पे थोड़ा आगे चलेंगे और देखेंगे ब्यूटीफुल नज़ारा इस लेक का। बहुत लंबी लेक है और घूमने के लिए तो बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत पीसफुल जगह है। आपको अब ये जगह शायद ऐसी जगह सिटी में काफ़ी कम मिलती है। और एक नेचुरल लेक है ये, आर्टिफिशियल लेक नहीं है, नेचुरल लेक है ये। देखिए जहाँ तक आपकी नज़र जाती है वहाँ तक आपको पानी पानी दिखेगा। ये सारे बोट है, ये बोटिंग के लिए यहाँ पे लगे हुए हैं। इस टाइम थोड़ा रश कम है बट फिर भी है बहुत। तो एंट्री पॉइंट वहाँ से है, अभी हम सारा कुछ देखेंगे इसमें। यहाँ पे लोग आते हैं खासकर फ़ोटो शूट करते हैं दिन के टाइम में, और भी यहाँ पे एक्टिविटीज़ करते हैं लोग घूमने के लिए। ऑफिस से फ्री है तो फिर आ सकते हैं आप, किसी के साथ यहाँ पे टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं आ सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग फ़ोटो खींच सकते हैं और दुनिया भर की चीज़ें जो है। लेक कम से कम अगर आप इसमें चलते हो तो मेरे हिसाब से 1-2 किलोमीटर का इसका पूरा है राउंड अप जो है, बहुत बड़ा है यहाँ से। फिर कभी हम आगे तरफ भी घूमेंगे, आज हम जस्ट एंट्री जहाँ से इसकी एंट्री वहीं पे देखेंगे। यहाँ देखिए नीचे ये जो आपको लाल जैकेट वगैरह दिख रहे हैं ये सब लाइफ जैकेट हैं, विदाउट लाइफ जैकेट यहाँ पर अलाउड नहीं होता है। लेक थोड़ी गहरी है तो कुछ ऐसी मिस हैपनिंग ना हो, इसलिए ये चीज़ें पहले ही आप लोगों को दी जाती है। टिकट की बात हम अभी करेंगे। और यहाँ पे जो ये बना रखा है नीचे, इसमें ऐसी अभी ये लोग तैयार हो रहे हैं जैकेट विकेट डाल के, ये इसके बाद वोटिंग करेंगे और उसके बाद आप इसमें आराम से वोटिंग कर सकते हो। और ये लाइफ जैकेट बहुत ज़रूरी है, इनको पहनना बहुत ही ज़रूरी है ताकि आपके साथ कुछ हो भी जाए तो आप पानी के ऊपर ही रहें और तब तक आपको जो यहाँ पर टीम है वो आगे रेस्क्यू कर लें। तो ये देखिए एक यहाँ पे अलग अलग तरह की बोट है, हर एक का प्राइस अलग है। एक वो वाली बोट है जो सामने दिख रही है आपको, ये वाली बोट भी है, और जो ये बड़ी बोट है अगर आप इसमें सवारी करना चाहते हो, ये जो मेरे सामने दिख रही है ग्रीन कलर की बड़ी बोट है, तो इस पर भी आप बैठ सकते हो। इसमें शायद इकट्ठे काफ़ी सारे लोग जाते हैं और ये लंबा राउंड लगा के आती है, और छोटी भी है। बाकी दो के लिए भी होता है, 4 सीटर भी है, 2 सीटर भी है, तो इस तरह के अलग अलग सीटर यहाँ पे बोट आपको इजीली मिल जाए। आइए बात करते हैं थोड़ा, हम टिकट काउंटर की तरफ जाते हैं। तो टिकट काउंटर यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 सीटर जो है वो 250 की है, 250 से 500, और थोड़ा उससे और महंगी है, 4 सीटर उससे महंगी है। तो ये पर पर्सन है, और सिक्योरिटी भी यहाँ पे रखी जाती है, तो आप यहाँ पे आप भी इजीली पता कर सकते हैं। ये जो काउंटर है ये थोड़ा बैक साइड है, जब मैंने एंट्री मारी थी, आप किसी को भी पूछेगी टिकट काउंटर किस साइड है, जहाँ पे खाने पीने का स्टॉल है, मतलब यहाँ पे जो ये मार्केट टाइप की छोटी सी एक, तो यहीं पर सामने टिकट काउंटर भी है, आप इजीली यहाँ से ले जाए। और ऐसे जो आर्टिस्ट हैं वो यहाँ पर बैठे हुए जो स्क्रैच वगैरह बनाते हैं, अगर आप बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते।
तो ये कुछ इस तरीके का नज़ारा है। देखिए भीड़ तो यहाँ पे हमेशा रहती रहती है, सूखा नहीं होता है। और सर्दियों के टाइम में खासकर लोग यहाँ पे आते आते चंडीगढ़ की ये बहुत ही खुली जगह है। और बात करते हैं यहाँ इस एरिया में, ये नेचुरल पानी है, कोई यहाँ किसी जगह से पानी नहीं आता, खुद पानी नीचे से आता है। और इस एरिया में, चंडीगढ़ के एरिया में बहुत सारी लेक्स हैं, बहुत सारी लेक। तो सामने की तरफ अगर हम देखते हैं तो ये लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं बोटिंग करना। और यहाँ पे थोड़ा बच्चों का ध्यान रखिए, जब आप ऐसी तरह नाव में बैठते हो या फिर कुछ, वैसे साथ में होते हैं लोग, कोई टेंशन नहीं है, बट फिर भी खुद सिक्योरिटी रखनी पड़ती है। और ईजिली आप बैठिए, ऐसे देखो ये चार लोगों ने एक चार वाली कर रखी है, दो वाली भी है। अपना पैडल से आप इसको चलाओ और आप आराम से, इसमें हैंडल होता है, आप आराम से घूम के दूर दूर तक जा सकती हो। ये चीज़ें यहाँ पे है। ये देखो ये लोग जा चुके हैं, बैक साइड की तरफ जा रहे हैं। इसके बाद ये राउंड करेंगे और इनका एक टाइम फिक्स होता है, 30 मिनट का होता है और उस हिसाब से चार्ज होते हैं, 60 मिनट का, 30 मिनट का। आप जिस हिसाब से करोगे उससे पहले आपको ये बोट यहाँ पे जमा करनी होती है और जो सिक्योरिटी रखी जाती है वो आपको रिटर्न हो जाती है। तो इसलिए अगर आप लेट करते हो आपको फ़ाइन पड़ता है। और जो यहाँ की जो टाइमिंग है सुखना लेक की, ये सुबह लगभग 8 बजे, वैसे खुल तो 6 बजे जाता है, 8 बजे से आप लगा लो, 8 से 9, 8 बजे से तकरीबन यहाँ स्टार्ट होगा और शाम को ये 6 बजे तक रहता है। उसके बाद यहाँ बोटिंग बंद हो जाती है। वैसे आप घूम सकते हो जैसे ही अंधेरा होता है, आजकल सर्दियों का टाइम है, हो सकता है 5, 4:30, 5 बजे बोटिंग बंद हो जाती है। उसके बाद आप यहाँ वैसे घूम सकते हो और बाकी रात को फिर ये चीज़ें बंद हो जाती है। तो ये दिन दिन में आप इसका मज़ा लीजिए और आइए यहाँ पे और खूब सारी इन्जॉय कीजिए। ये जगह जो है बहुत अच्छी है, यहाँ से आप, ये स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। और बात करते हैं हम पूरे राउंड की, अगर आप राउंड मारना चाहते हो लेक के किनारे किनारे किनारे, आप बहुत दूर तक जा सकते हो और वहाँ बैठ जाओ। तो कुछ यहाँ निकालिए, बहुत ही सुंदर जगह है चंडीगढ़ की, बहुत ही खूबसूरत जगह है और ऐसी जगह हर सिटी में होती नहीं है। तो आइए चंडीगढ़ की। और इसके बाद जो नेक्स्ट ब्लॉग आएगा वो है रॉक गार्डन का, रॉक गार्डन हम जाएंगे और फिर वहाँ के बारे में थोड़ा हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, रखिए अपना ख्याल, बाय।